कई बारी आपके मन में ये चिंता हो सकती है कि पीरियड्स के दौरान आपकी ब्लीडिंग बहुत कम है या आपके पीरियड्स 2 दिन से कम हो रहे हैं। ऐसा भी होता है कि आपके पीरियड्स जो हैं वो 2 दिन से ज़्यादा हैं बट ब्लीडिंग बहुत कम है। इन सारी चिंताओं के कारण आपके मन में एक डाउट आ सकता है कि इतनी कम ब्लीडिंग अगर होती है तो क्या मैं प्रेग्नेंट हो सकती हूँ। इस समय आपको डॉक्टर की सलाह ज़रूर लेनी चाहिए, क्योंकि पीरियड्स के दौरान कम ब्लीडिंग के बहुत से कारण होते हैं। मैं इन कारणों के बारे में आपको बताऊंगी, इसलिए हमारा वीडियो आप लास्ट तक ज़रूर देखिए। पीरियड्स के दौरान कम ब्लीडिंग का एक कारण होता है जेनेटिक्स। इसका मतलब है कि अगर आपके परिवार में आपकी माँ या आपकी बहन को भी पीरियड्स के दौरान कम ब्लीडिंग होती थी, तो जाहिर सी बात है कि आपको भी पीरियड्स के दौरान कम ब्लीडिंग हो सकती है। कुछ ऐसी परिस्थितियाँ भी होती हैं जिस दौरान हमारे पीरियड्स में ब्लीडिंग कम हो सकती है। जैसे अगर एक लड़की है जो 11 से 13 साल की है और अभी ही उनके पीरियड्स शुरू हुए हैं, तो इस समय पीरियड्स के दौरान ब्लीडिंग उसकी कम हो सकती है। या अगर आप 45 से 50 साल की महिला हैं और आपके पीरियड्स बंद होने वाले हैं, इसका मतलब आपका मेनोपॉज आने वाला है, इस समय भी आपके पीरियड्स के दौरान आपकी ब्लीडिंग कम रहेगी। ये क्यों होता है? क्योंकि इन दोनों परिस्थितियों में हमारे हॉर्मोन्स में काफ़ी बदलाव होता है और इसके कारण जो हमारी ओविलेशन होती है वो अनियमित होती है। इसके कारण हमारे जो अंदर गर्भाशय की परत होती है वो इतनी मोटी नहीं होती और पीरियड्स के दौरान हमारी ब्लीडिंग जो है वो खुलकर नहीं होती। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पीरियड्स के दौरान ब्लीडिंग कम होने का कारण हॉर्मोन्स में बदलाव हो सकते हैं, तो हमारे शरीर में कौन से 2 हॉर्मोन्स हैं जिनके कारण पीरियड्स में कम ब्लीडिंग हो सकती है? पहला हॉर्मोन है थायराइड हॉर्मोन। अगर इसकी मात्रा हमारे शरीर में कम होती है तो हमारे पीरियड्स जो हैं वो खुलकर नहीं आते। और दूसरा है प्रोलैक्टिन हॉर्मोन, और अगर इसकी मात्रा हमारे ब्लड में ज़्यादा है तब भी हमारे पीरियड्स जो हैं वो खुलकर नहीं आते। पीरियड्स खुलकर ना आने का कारण होता है गर्भ निरोधक गोलियाँ। अगर कोई महिला इन गोलियों का सेवन कर रही हैं तब भी आपके पीरियड्स जो हैं वो खुलकर नहीं आएंगे। और ये भी हो सकता है कि आपने गर्भ निरोधक इंजेक्शन लगवाया हो, जिसको हम डिम्पा कहते हैं, उसके कारण भी आपके पीरियड्स खुलकर नहीं आते। कई बार ऐसा भी होता है कि आपकी महावारी अनियमित थी और डॉक्टर ने उस पर नियंत्रण करने के लिए आपके बच्चेदानी में मिरिंडा डाला है। मिरिंडा एक छोटा सा उपकरण होता है और इसके डलने के बाद भी आपके पीरियड्स खुलकर नहीं आते। कई बारी महिला बहुत तनाव से गुजर रही है, हो सकता है कि आपका कोई एग्ज़ाम हो या हो सकता है आप नौकरी बदल रही हो। इस समय स्ट्रेस के कारण आपके शरीर के जो हॉर्मोन्स का लेवल है उसका संतुलन बिगड़ सकता है और इस कारण आपके पीरियड्स के दौरान जो ब्लीडिंग है वो खुलकर नहीं आएगी। कई बार ऐसा भी होता है कि आपने ज़रूरत से ज़्यादा एक्सरसाइज कर ली हो या वज़न कम करने के लिए आपने बहुत ज़्यादा डाइटिंग कर ली हो, खाने पे कंट्रोल कर लिया हो, इस कारण भी आपके हॉर्मोन्स बदलेंगे और आपके पीरियड्स खुलकर नहीं आएंगे। कई बार ऐसा होता है कि गर्भपात के दौरान आपको एक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है जिसे हम डायलेटेशन एंड क्यूरेटाज कहते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान डॉक्टर जो है वो कुछ औजार इस्तेमाल करते हैं जिसके कारण आपके जो गर्भाशय की परत है वो बहुत पतली हो जाती है। इस कारण जब आपके पीरियड्स आते हैं इस प्रोसीजर के बाद, इस प्रक्रिया के बाद, तो उसमें जो ब्लीडिंग होती है वो खुलकर नहीं होती। अगर पीरियड्स के दौरान आपकी ब्लीडिंग खुलकर नहीं आती तो डॉक्टर के पास जाकर आपको अपना पूरा चेकअप कराना चाहिए। डॉक्टर आपके खून की जांच करेंगे, आपका अल्ट्रासाउंड करेंगे और ये कारण ढूंढेंगे कि आपकी ब्लीडिंग जो है वो खुलकर क्यों नहीं आ रही है। कारण निकलने पर आपका सही इलाज हो पाएगा।